वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20 जो कि है 19 अगस्त की क्लास 10th की वर्कशीट। इसके अंदर हम देखेंगे पहले साइंस, फिर मैथ्स और फिर हिंदी। जो साइंस का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में दो वर्कशीट कर चुके हैं। आज हम रजिस्टर के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रजिस्टर्स, जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं आपके करंट के जो फ्लो को जो है वो थोड़ा सा स्लो करते हैं। अब रजिस्टर का यूज कहाँ पर है हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार बता देते हैं। जो हमारे गैजेट्स होते हैं, ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज हो गया या आपका माइक्रोवेव हो गया, कोई भी अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी तो दिक्कत हो जाती है, वो उनको शॉक लग सकता है, बेसिकली वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं। अब दो तरीके से रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, एक होता है रेजिस्टर इन सीरीज और दूसरा होता है रेजिस्टर इन पैरेलल। तो दोनों का यूज कहाँ पर है? रेजिस्टर इन सीरीज यूज होते हैं आपके जैसे लाइट्स, जो आप दिवाली पे लाइट लगाते हैं ना, अगर आपने ध्यान दिया हो कि एक लाइट खराब हो जाए तो पूरी पूरी लड़ी खराब हो जाती है, वहां पे जो रजिस्टर की सीरीज लगती है वो एक के बाद एक लगती है, एक के बाद एक, जैसे कि आप इमेज में दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, एक सीरीज में लग रहा है, एक के बाद एक लग रहा है। तो इसमें अगर पहला रजिस्टर खराब हो गया तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे करंट हो गया है ब्रेक, ब्रेक हो गया, और जैसे ही करंट ब्रेक हो जाता है आगे करंट फ्लो नहीं कर पाता। ये तो बहुत सिंपल से साइंस है, आपने पहले भी पढ़ रखा है इसके बारे में, कंप्लीट सर्किट नहीं होगा तो काम नहीं बन पाएगा। तो पैरेलल सर्किट्स यहाँ पे क्यों काम आते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। आपके घर में एक इनलेट होता है, अब करंट घर के अंदर घुसता है यहाँ से, और क्या होता है कि बढ़ जाता है, सब जगह पे जा रहा है, सब वायर्स में है। यहाँ पर अगर ये रेजिस्टर खराब हो गया तो यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब जो अप्लायंस है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन ये तीनों अप्लायंस चलेंगे बिकॉज वहां पे करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, उनका इंडिपेंडेंट सर्किट चल रहा है, इन सबका इंडिपेंडेंट सर्किट चल रहा है। इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं पैरेलल सर्किट, और ये आपके घरों में होता है। आप खुद भी जानते हैं कि आपके घर में एक जगह से करंट फ्लो होता है और मेन वायर से वो बहुत सारे अप्लायंसेस में अलग अलग जगह पे चला जाता है। आपके घर में कई बार हुआ होगा कि एक रूम की लाइट चली गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, वोल्टेज ज्यादा आया तो एक रूम का तो वोल्टेज की वजह से रूम की लाइट चली गई, बाकी रूम की लाइट अभी भी जल रही है। मैंने तो एक्सपीरियंस करा है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा तो पूछें आप घर वालों से, फादर मदर से, कभी ऐसे हुआ है कि एक अप्लायंस की लाइट चली गई, मतलब कुछ एक सेक्टर की लाइट चली गई, या चलो और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा होता है कि पूरे पूरे डेली की लाइट चली जाती है इकट्ठी, नहीं कुछ पार्ट की लाइट जाती है, क्योंकि मेन फ्लो तो वहां से भी अलग से आ रहा है ना। जो अगर सपोज करो दिल्ली की लाइट पूरी पूरी नहीं जाती तो कुछ पार्ट्स की जाती है, लाजपत नगर की चली गई या पंजाबी बाग की चली गई, बाकी पार्ट्स की अभी भी आ रही है, बिकॉज हर एक का रजिस्टर अलग अलग है तो मेन सेक्टर्स में भी काम करता है। अब रजिस्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पूरे के पूरे सर्किट में रजिस्टर का हम क्या कर देते हैं, ऐड, जो उनकी वैल्यू है उनको ऐड कर देते हैं, तो आपको टोटल इस करंट, इस पूरे फ्लो की रेजिस्टेंस पता चल जाती है। पैरेलल में क्या होता है, इसी को फ्रैक्शन में करते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज रीड कर लें, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी फॉर्मूला याद रखने के लिए, IVR, I = V/R, ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो इन एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टर्स इज 20 ओम, ठीक है, पहला रेजिस्टर R1 हो गया, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम्स आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। ओके, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे एकदम सीधा सीधा एक ही कनेक्शन है, सीरीज में है, तो हम क्या कर देंगे, R1 + R2 कर देंगे, तो 20 + 4 24 टोटल रेजिस्टेंस आ गया, इसको हम RP के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट इसका क्या था, सेकेंड था द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट कितना फ्लो कर रहा है।
करंट का फॉर्मूला होता है आई वी आर, मैंने आपको बताया था, आई अपॉन वी अपॉन आर। वोल्टेज कितनी है ये दे रखी थी, 6V, ठीक है, अपॉन आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 24 था, तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0.25 एम्पेयर आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा है। इमेजेस पे ज्यादा ना जाए, इमेजेस आपको सिर्फ दिखाने के लिए दे रखी है, खुश करने के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर R1 कितना है, 5 ओम, R2 कितना है, 10, और R3 कितना है, 30 ओम। हैज बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी जो है 12 वोल्ट की, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पहले तो बताना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दे, जो रेजिस्टेंस है वो सीधी सीधी लाइन में नहीं है, पैरेलल है, ओके, पैरेलल एक के ऊपर एक है। तो यहाँ अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और 1/5 + 1/10 + 1/30 एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद 1/3 आ जाएगा। ये तो आया 1/r की वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो R = 3 आ जाएगा, तो R की वैल्यू आ गई 3 ओम। तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस इसका आ गया। इसके जो बाकी दो पार्ट्स है ना, ये हमने इस क्वेश्चन में करेंगे नीचे। अभी हम वो दिखाते हैं आपको, दो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, उसके अंदर बोला है कि इसके दो पार्ट को सॉल्व करो। तो मैं अभी इसको नोटबुक में आपको दिखा देता हूँ। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ। सीधा सीधा मैं आपको समझाता भी जाऊंगा क्वेश्चंस क्या है और इनको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ध्यान रखें, ये जो इमेज यहाँ पे दे रखी है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ये भी वर्कशीट भी बनाने वाले भी ऐसे बनाने लग गए हैं जैसे कोई रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं। इमेजेस आर ओनली फॉर रेफरेंस। तो इमेजेस पे ना जाए, इमेजेस की वैल्यू पे ना जाए, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, तो कंफ्यूज मत होना। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन था, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। सीरीज में है, ध्यान से दें। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आप नहीं तो आप इसको अपने फोन में देख लें, वहां से देख लेंगे। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 और एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड इट फ्लो थ्रू 12 ओम। तो वो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कनेक्शन हैं वो एट द एंड, लास्ट वाले के एंड में कितना फ्लो करेगा। तो पहले तो मैंने लिख दिया बैटरी कितनी है, 9 वोल्ट की है, रेजिस्टर्स कितने हैं, मैंने सारे के सारे लिख दिए, सीरीज में है। तो इफेक्टिव रेजिस्टर, इफेक्टिव रेजिस्टर का मतलब हो गया एट द एंड रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कितना है। तो यहाँ पे सीरीज में था तो हमने इसको प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टर आ गया वो 13.4 ओम का आ गया। अब ओम स्लो लगाया हमने, जो आई वी आर बहुत ही सिंपल तरीका याद करने का, वी क्या है 9 और आर क्या है 13.4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.67 एम्पेयर। एम्पेयर में जरूर लिखना, और स्टेटमेंट क्वेश्चन था तो मेक श्योर आप स्टेटमेंट जरूर लिख दें। द करंट अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर इज 0.67 एम्पेयर। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था पार्ट बी और पार्ट सी का एग्जांपल नंबर 2 में सॉल्यूशन बताओ। तो एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ लिया था। पार्ट बी में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पार्ट बी में मांगा था करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक में से कितना निकलेगा। तो पहले मैंने तो सारी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, रजिस्टर 1 कितना था 5 ओम, रजिस्टर 2 था 10 ओम, रजिस्टर 3 था 30 ओम। तो हर एक का, तो I1 मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए पहला रजिस्टर का करंट कितना था, वोल्ट कितना था 12 दे रखा था क्वेश्चन में, या लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लिख सकते हैं। तो 12/5 2.4 एम्पेयर हो गया। करंट 2 का आपका हो जाएगा, ये 12 है, हैंडराइटिंग थोड़ी अजीब सी हो रखी है, सो 12 है आपका, 12/10 1.2 एम्पेयर। करंट 3 में हो जाएगा आपका 0.4 एम्पेयर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सी पार्ट था, इसके अंदर पूछा था द टोटल करंट इन द सर्किट। देखो टोटल करंट पूछ रहा है कितना होगा, तो टोटल करंट के लिए तो हमें टोटल वो चाहिए होगा रेजिस्टेंस। तो आपका मैंने यहाँ से निकाल लिया, जो करंट 1, करंट 2, करंट 3 था उन सबको हमने प्लस कर लिया, सिंपल। आपने इन सबको प्लस कर देंगे तो 4 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने फिगर बोली थी, मैंने फिगर यहाँ पे बना भी दी है, देख ले। तो उसके अंदर उसने बोला है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 1 है, ठीक है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर लग रहा होगा, घबराए नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो
यहाँ पर 1111 दे रखा है, फिगर में देखेंगे तो 10 10 है, तो क्वेश्चन ने उसको 1 बोला है तो हम 1 ही लेंगे। तो पहले इस पूरे सर्किट को मैं 1 रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, पहले इसका निकाल लो जो मैंने रेड करा है उसका रेजिस्टेंस। देखो ये पैरेलल है ना, तो मैं इसका निकाल लूंगा, क्या निकलेगा, मैंने R1 लिखा, मैंने R1 निकाल लिया, 1/1 + 1/1 + 1/1 कैसे निकाला, 1/1 तो 1/1 जो भी वैल्यू होती है, 10 होता तो 10 करता, 1/10 करता, 1/1 + 1/1 इसको करूंगा तो आ जाएगा 3/1। और फॉर्मूला क्या था, 1/R था ना, R1 रेजिस्टेंस 1, तो इसको जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरे पहले रेजिस्टेंस की आ गई 1/3 वैल्यू, मतलब इस पूरे सर्किट की वैल्यू आ गई 1/3 रेजिस्टेंस। इसी तरीके से तीसरे का भी सेम ही होगा, सेम है नहीं है तो आप वैल्यू चेंज कर देंगे, तो उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। तो इन दोनों का हमने निकाल लिया। अब ये अगर पूरा सर्किट देखें ऐसे सीधे में है तो सीधा सीरीज है, पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, और फिर ये हो रहा है, तीन चीजें हो गई लगातार। तो R1 + R2 + R3 मैंने कर दिया, ये देखिए R1 कितना था, 1/3, R2 क्या था, वो तो सिंपल सा था 1, और R3 कितना था, 1/3, तो मैंने सबको प्लस करा, 1.66 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बी पार्ट ये आपको फिगर दे रखी है, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखो ये तो तीन तीन है, 3 एम्पेयर, सॉरी 3 ओम 3 ओम, तो यहाँ पर आपको पैरेलल दे रखा है, लेकिन पैरेलल दे रखा है लेकिन ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो मैंने इन दोनों को मान लिया R1, तो R1 की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से R2 की वैल्यू आ गई 6, देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। R1 मेरा मतलब यहाँ पर इन दोनों का सम है, सॉरी इन दोनों का, और नीचे वाला हो गया R2। तो अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो हम क्या यूज कर लेंगे, ये मैं बोल रहा था कि इसको बोलते हैं इफेक्टिव, RP बोलते हैं हम टोटल को। ओके, ये हमने अपॉन कर दिया, तो ये 1/R था ना, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 ओम्स आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3 ओम्स। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हाउ मेनी रेजिस्टर्स, तो पहली बात तो लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर भी हमने एक्स ले लिए, दूसरी चीज रेजिस्टर उसने बोला पैरेलल, तो मेक श्योर 1/R लें। तो रेजिस्टर्स कितने हैं उसकी, उन्होंने वैल्यू दे रखी थी 1/76 एक की, तो मुझे कितने चाहिए, एक्स चाहिए, मुझे पता ही नहीं है। तो अगर 1/R एक की है, 1/176 एक की है, तो एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे जो रजिस्टर हो गए, अगर हम 1/176 को रेसिप्रोकल करेंगे तो रजिस्टर की जो वैल्यू हो गई 1/76 / x हो गई, ओम्स लॉ IVR हो गई, तो R की वैल्यू यहाँ पर हो गई R=V/I। तो मैंने R की वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास इसको सॉल्व कर देंगे जब हम, तो आ जाएगा X की वैल्यू आ गई 4। तो साइंस की वर्कशीट में इतना ही, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब अभी ही कर दीजिए। तो आगे चलते हैं हम सीधा अपनी मैथ्स की वर्कशीट की तरफ। तो चलते हैं हम अपनी मैथ्स की वर्कशीट की, वर्कशीट नंबर 20 जो 19 अगस्त की है, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना AP का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इसको सॉल्व सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस पहले कर चुका हूँ, AP का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एग्जाम्पल्स हैं मेरे, जो सोल्यूशन है उसको देखने के बाद आप अटेम्प्ट करें, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैं इन एग्जाम्पल्स का भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर अभी आपको सॉल्व करके बोर्ड पे दिखाऊंगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, फिर आगे हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट हिंदी की तरफ। हम देखने वाले हैं कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस AP से रिलेटेड, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उसको पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए। राम सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक में मतलब अगर बात कर रहा है तो वो उन्होंने दे दिया ₹5, ठीक है। ऑफ अ ईयर देन इंक्रीज्ड,
वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75, तो इंक्रीज कर रहा है तो मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो डी हो गया प्लस में रुपीज 1.75 प्लस इसलिए क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। इफ इन द एनथ वीक हिज वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, एनथ वीक मतलब चलते चलते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर एनथ, तो ये पोजिशन दे दी, तो हम लिख देंगे ए एन इक्वल्स टू, उन्होंने वैल्यू कितनी दे दी रुपीज 20.75। तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, हम ए एन का फॉर्मूला जल्दी से लगा देते हैं यहाँ पर। ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी, तो हमें इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है देनी है, और ए एन क्या है 20.75, ए कितना हो गया 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 1.75। ठीक है, तो दो तीन तरीके हो सकते हैं, पहले बच्चे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ये इधर लेके जा सकते हैं, तो मैं पहले ये 1.75 इधर लेके जा रहा हूँ, देखो ये प्लस हो रहा है ना, ये आगे प्लस है, ये वाला प्लस नहीं आगे प्लस है, पॉजिटिव है, तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5.75 भूल जाओ, 20 माइनस 5 15, 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 1.75। अभी 1.75 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो इसका मतलब है दोनों तरफ डेसिमल कहाँ पर है 100th प्लेस पे, तो कट जाएगा तो आ जाएगा 1575 अपॉन 175 इक्वल टू एन माइनस 1, सो एन माइनस 1 हमारे पास आ गया। अब 175 और 1575 को हमें डिवाइड करना है, देखो नंबर मुझे डायरेक्टली तो आता नहीं है टेबल इसका, तो मैं क्या करूँगा देखूँगा, ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा 5 के टेबल में आ जाएगा 3 पे 15, तो 2 बचा 25, 25 का मतलब हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 के टेबल में करेंगे 3 15, 7 कितना हो गया 1, मतलब 2 बचा 25 5, अभी भी ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, या 7, और ये डिवाइड हो गया 31 हो गया 6 पे 30, 1 बचा 15 हो गया 3, 7 और 63 कितने पे डिवाइड होते हैं 9 पे, तो आ गया मेरे पास यहाँ पर आंसर 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 1 उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो n कितना हो गया 10। देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट क्वेश्चन में ज़रूर लिखना, वैसे तो फाइंड n बोला था हमने, सिंपल सिंपल निकाल दिया, तो उसकी सेविंग 20.75 कब हो जाएगी 10th वीक में, 10th वीक, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 और 250, तो पहले मल्टीपल ऑफ 4 10 एंड 250 के बीच में हम पहले देख लेते हैं, 10 के बाद जो है 4 के टेबल में आने वाला पहला नंबर है 12, फिर है 16, अब इसी तरीके से वो पूछ रहा है 250 से पहले वाला कौन सा होगा, तो पहले 250 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो डिवाइड होता है तो उससे पहले वाला देख लेंगे, तो 4 कितना आ गया ये 25, तो 8 16 24 32 होता है, 7 21 28, 6 18 24, तो 6 के टेबल में 24 1 ये 0, तो 2 8, तो ये तो डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब 2 रिमाइंडर यहाँ से मैं हटा दूँ, इसका मतलब 248 तो होता होगा। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब होता है ये नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 2 कम कर दो वो नंबर डिवाइड होता होगा, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगी, तो आखिरी नंबर हो गया 248, उम्मीद करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है समझ में आया होगा, 248 पहला मतलब आखिरी नंबर है 4 के टेबल में जो 250 से छोटा है। अब वो पूछ रहा है कितने ढूंढने, कितने नंबर आए ये 12 1 16 2, अब ऐसे काउंट करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये पता पोजीशन कौन सी है an, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी,
तो हमने यहाँ पर एन की वैल्यू पता है कितनी है, 248। ए की वैल्यू पता है ये दी, ये है 12। एन हमें ढूंढना है डी। अब डी होता क्या है, डी होता है इन दोनों को माइनस करो कितना होता है डी, डी की वैल्यू है 16 माइनस 12 कितना है 4। अरे 4 का ही तो टेबल था, 4 का ही गैप है तो 4 आ गया। अब मैं पहले 12 उधर भेजूंगा जैसे पहले भेजा था, तो 248 में से 12 गए तो 6 बचा 3, 236। फिर 4 उधर भेज देंगे, पहले करके दिखा देता हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं सर समझ नहीं आया। फिर 4 उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइडेड बाई 4 n-1। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखो डायरेक्टली डिवाइड मेरे से बहुत मुश्किल है, तो मैं 2 से कर दूंगा। जब मैं बोलता हूँ मुझसे मुश्किल है, इसका मतलब है बच्चों को समझाने के लिए। 1 यहाँ पर आ गया, 2 ओके यहाँ पर भी 1 आया, ठीक है यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे 8 अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 यहाँ पर 5 और यहाँ आया 9, तो मेरे पास आ गया 59 n-1। 1 उधर भेजूँगा तो n आ जाएगा 60। कैसे, n उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मुझे पता चल गया टोटल मल्टीपल ऐसे कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 60 नंबर हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में, 10 एंड 250 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। AP आते ही इसका मतलब होता है बराबर बराबर गैप है एंगल्स के बीच में, ठीक है ये AP की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अब AP का मतलब होता है जो गैप है वो इक्वल है, तो एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। देखो बच्चे बनाते हैं हमेशा स्क्वायर, वो बहुत गलत चीज़ होती है, उन्होंने क्वाड्रिलेटर बोला स्क्वायर नहीं बोला। तो सपोज करो ये पहला एंगल है ए, ठीक है पहला एंगल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए जो हम AP में मानते हैं। तो दूसरा एंगल उसने बोला कि भैया उसमें जो गैप है वो डी है, तो पहले मैं इसको डी मान लेता हूँ कि भैया इसके अंदर जो गैप है वो ए प्लस डी हो गया, तो मतलब डी बढ़ रहा है, ये क्या होगा ए प्लस 2D, ये क्या होगा ए प्लस 3D। क्या समझ में आया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 एंगल सम, तो मैं इसको ABCD भी मार्क कर देता हूँ। तो एज वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये डी कैपिटल होना चाहिए, एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। पूरे जो कोऑर्डिनेटर है उसका सम जो है वो 360 डिग्री है। एंगल ए क्या है, ए मैं इसको ए लिख देता हूँ, बी क्या है ए प्लस डी, सी क्या है ए प्लस 2D, ए प्लस 3D इक्वल्स टू 360 डिग्री। ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4A। डी कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ पे 2 बार मतलब 3 3 और 3 6 6D। अब ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैं पूरे को ही डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ, ठीक है पूरे को 2 बार 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 2 कॉमन ले उधर भेजें उससे भी कर सकते हैं। सो 2A+3D=180। अब मेरे पास डी की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 10, तो मैं यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 2A+3×10 कितना हो गया 30 डिग्री 180। अब 30 उधर भेजूँगा तो 2A=180-30, ए की वैल्यू हो गई ये 150 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड हो रहा था ना, तो ए की वैल्यू हो गई 75 डिग्री। अब हमें उन्होंने बोला था फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड करो, तो एंगल ए कितना है, ए ए कितना है 75, एंगल बी कितना है ए प्लस डी, सो 75 प्लस 10 85। आप करके दिखा सकते हैं, एंगल सी इक्वल्स टू ए प्लस 2D मतलब 2 बार 10 मतलब 20, तो मतलब 95। और एंगल डी कितना हो गया, ए प्लस 3D मतलब 105। देख रहे हैं यहाँ पर गैप इक्वल आ रहा है, तो ये AP हुआ नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, यही हमारा रिवॉर्ड है। तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली पूछें कि क्या एग्जैक्टली आपका डाउट है, ये ना बोले कि समझ में नहीं आया, तो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए हम उसके अंदर थोड़ा सा इनपुट दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। ये वर्कशीट है आपकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। ऑलरेडी हम इस पर वर्कशीट्स कर चुके हैं और उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है कार्यपत्रक नंबर 20। ये 19 अगस्त की वर्कशीट है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस पद्यांश में ये कवि तुलसीदास जी ने इसको रचा है, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और इस पद्यांश में सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है कि वो जो शिव धनुष है वो अब टूट चुका है, वो किसी ने तोड़ दिया है, तो वो क्रोधित होकर वहां पर आते हैं और राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो डायलॉग होता है, जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, वही इस रचना में तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रसंग को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका तीसरा पद्यांश है और आइए इसको देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके जो डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या है, वो हम देख लेंगे। तो इस पद्यांश में लिखा है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, बहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुमड़ बतिया कोई को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, ते देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनुए बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कठारा, जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोप भृगु बंस मनि बोले गिरा गंभीर। तो अब इसका व्याख्या जो है, अब जल्दी से हम वो देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी जो है वो हंसकर व्यंग करते हैं, तो वो मजाक उड़ा रहे हैं परशुराम जी का, वो थोड़ा व्यंग कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, और वो बहुत ही कोमल वाणी में कहते हैं। तो वो बहुत ही एरोगेंटली नहीं कह रहे, लेकिन बहुत ही प्यारी सी मधुर सी वाणी में, कोमल वाणी में कह रहे हैं कि अहो मुनीश्वर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हरे के छोटे से फल की भांति कमजोर या निर्बल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। तो आप ये जो बार बार ये बोलते रहते हैं ना कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने इतनों को मारा है, मैंने ऐसे ऐसे सबको डराया है, अपने फरसे से मैंने सबका नाश कर दिया है, ये जो आप ऐसे सब डरा रहे हैं ना, हम मान गए कि ठीक है आप बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन ये जो बार बार आप कुल्हाड़ी दिखा के आप अपनी फूंक से ही जो पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं, ये अब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आप हम कोई यहाँ पर कोई निर्बल या कमजोर नहीं है कि आपने एक उंगली दिखाई और हम यहाँ पर मुरझा गए, जैसे छुईमुई का पौधा होता है या जैसे कोई बहुत ही नाजुक सा सब्जी होता है जैसे कद्दू का काशी फल। तो यहाँ कुम्हड़े जो के जो छोटे से फल लिखा है, ये उसी के जो फल होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि हम उनके जैसे कमजोर नहीं है कि जरा सा छुआ नहीं कि गिर गए या खराब हो गए। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कहा, भृगुवंशी समझकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं सब अपना क्रोध रोककर सह रहा हूँ। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हारना अपयश और इन्हें मारना पाप होता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने जो भी बातें की, मुझे मैंने तो आपके आपके पास ही कुल्हाड़ी देखी, धनुष बाण देखा, तो मुझे लगा कि आप तो एक बहुत बड़े योद्धा हैं, आप क्षत्रिय कुल से हैं, तो इसलिए मैं भी क्षत्रिय कुल से हूं, तो मैंने एक जैसा जानकर ये सारी बातें आपको अभिमान के साथ कह दी, प्राउडली कह दी। लेकिन अब मुझे पता चला आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो भृगुवंशी हैं, तो अब ये हो गया है कि क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आप जो भी कह रहे हैं मैं अपना क्रोध रोक रहा हूं और जो भी कह रहे हैं उसे सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में, हमारे परिवार में ये माना जाता है
कि देवताओं को, ब्राह्मणों को या भगवान के भक्तों को और गायें आदि पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपनी वीरता उन्हें नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर उनसे हार जाते हैं तो आपकी चारों ओर बुराइयां हो जाती हैं, अपयश फैल जाता है कि अरे इनसे हारे, और अगर इन्हें आप मार देते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इसीलिए मैं अब आपके आपको कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मुझे जितना भी क्रोध आ रहा है मैं उसे रोक रहा हूँ। इसलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ना चाहिए। तो क्योंकि मेरे कुल में ऐसी बातें की गई हैं और मैं आपको ना तो मैं आपको मार सकता हूँ, ना ही मैं आपसे लड़ सकता हूँ, ना ही आपके सामने वीरता का प्रदर्शन कर सकता हूँ, ना ही आपसे हार सकता हूँ, तो इससे अच्छा यही होगा कि अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी मुझे ही आपके पैर पड़ना होगा, क्योंकि मेरे परिवार में, कुल में यही रीत है। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, अतः धनुष बाण और कुल्हाड़ी को तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। तो फिर से यहाँ लक्ष्मण जी मजाक करते हुए कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, मतलब आप तो एक बार बोल दीजिए वही आपके शस्त्र की तरह हो जाएंगे, तो आप ये क्यों फालतू में ये धनुष बाण और कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप इन्हें मत उठाइए, आप तो बोलिए और उसी में ही, आप तो सिर्फ ब्राह्मण के नाम पर ही हमें हरा सकते हैं, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़ी को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान मुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुन भृगुवंशी मणि परशुराम क्रोधित हो गंभीरता से बोले। तो ये जो सारी बातें लक्ष्मण जी कहते हैं तो वहीं वाल्मीकि जी भी बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि हे परशुराम जी, ये बालक तो बेचारा भोला है, तो अगर आपके आपको देखकर इसने कुछ अनुचित कहा है तो प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। तो ये सब सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध भी आता है और बहुत ही गंभीर भी हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और फिर आगे बोलते हैं। तो ये जो दो लाइंस है ये एक्चुअली एक कॉमेंट्री है। तो ये जो सारी लाइंस है ये तो लक्ष्मण जी की इनका संवाद है। जो पहली लाइन है वो ये बताया गया है कि वाल्मीकि जी चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप इसे प्लीज क्षमा कर दीजिए, और फिर दूसरी लाइन में ये बताया गया है कि यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन है कि परशुराम जी अब गंभीर हो गए हैं और साथ ही बहुत क्रोधित हैं। तो अब इससे अगला जो संवाद होगा उसमें परशुराम जी जो है वाल्मीकि से बात करेंगे, वो आने वाली वर्कशीट्स में आपको दिखा दिया जाएगा। अब ये जो आपका संवाद है इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जल्दी से वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर क्या व्यंग करते हैं और क्यों? तो ये अगर आप डिस्क्रिप्शन दोबारा से सुनेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके आंसर में यही है कि वो पहली बात तो ये है कि वो परशुराम जी पर व्यंग करते हैं, और साथ ही वो क्यों व्यंग करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि परशुराम जी जो है वो बस डींगे हाँक रहे हैं, वो अपनी सिर्फ वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको सैंपल आंसर हमने दिखा दिया है, जैसा डिस्क्रिप्शन में बताया वो इस आंसर में हमने लिख दिया है कि वो व्यंग कैसे करते हैं और किसके साथ करते हैं, वो परशुराम जी के साथ करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि वो परशुराम जी की बातों को उनकी वीरता का प्रदर्शन और बड़ी डींगे समझ रहे हैं। तो ये आंसर देख लीजिए आप, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न कहता है, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गायें के ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि उनसे हारना अपयश होता है और इन्हें मारना पाप होता है। अब चलते हैं आपके प्रश्न तीन की तरफ। प्रश्न तीन आपका कहता है, इहां कुम्हड़ बतिया को नाही का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो लाइन आपको दी गई है इसका मतलब आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न तीन का उत्तर यहाँ पर यही है कि इसका मतलब यही है कि यहाँ कोई कुम्हाड़े के छोटे से फल की भांति कमजोर या निर्बल नहीं है। अब चलते हैं आपके प्रश्न चार पर। प्रश्न चार आपका कहता है, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंगपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं, यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?
कुछ वाक्यों में लिखिए। लक्ष्मण जी पर कोई क्रोधित हुआ, परशुराम जी क्रोधित हुए, तो लक्ष्मण जी ने तो बहुत ही मजाक उड़ाया उनका और मजाक पूर्ण उन्होंने प्रतिक्रिया की, रिएक्शन किया। लेकिन अगर आप पर कोई गुस्सा होता तो आप क्या करते, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने एक सैम्पल आंसर लिख दिया है कि यदि आप पर कोई क्रोधित होता तो आपको भी गुस्सा आता, आपको भी क्रोध आता, लेकिन आप कोशिश करते कि क्रोध को शांत करके उसे समझने की आप कोशिश करते। साथ ही साथ अगर कोई घर में बड़ा होता है और कभी कभी वो गुस्सा कर देता है तो उससे मन बहुत भारी हो जाता है, दिल बहुत भारी हो जाता है और रोना भी आ जाता है। तो हमने आंसर में ये लिखा, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आपको जैसा फील होता है जब आप पर कोई गुस्सा करता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब चलते हैं आपके आखिरी प्रश्न पर। आपका आखिरी प्रश्न जो है वो अलंकार से जुड़ा प्रश्न है। तो इस पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक में से कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हैं, इनके आपको उदाहरण लिखने हैं। तो ये जो अलंकार यहाँ पर दिए गए हैं आप इनको देखिए, ये सैंपल आंसर देखिए, और आप अगर ढूंढकर कुछ और भी अलंकार यहाँ पर लिख पा रहे हैं तो आप वो भी जरूर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर मिलते हैं एक अगली वर्कशीट में। थैंक यू।